के प्रसिद्ध तीर्थ धाम चपका में प्रस्तावित मिनी स्टील प्लांट आयरन स्पंज फैक्ट्री के विरोध को लेकर बहुचर्चित विवाद हाईकोर्ट तक पहुंच गया है, जिसमें कई बेकसूर लोगों के नाम पर एफआईआर किया गया है। चपका वासियों का कहना है कि फैक्ट्री के बंद होने के साथ साथ निर्दोष ग्रामीणों पर जो एफआईआर हुई है उसे सरकार वापस ले और जनता के हित में कोई निर्णय ले। साथ ही प्रसिद्ध तीर्थधाम होने के नाते हमेशा श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है, बड़े बड़े धार्मिक कार्य संपन्न होते रहते हैं, इसलिए आदिवासी इस फैक्ट्री का विरोध कर रहे हैं। वही कलेक्टर रजत बंसल ने चपका वासियों को आश्वासन दिलाते हुए कहा कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री का आदेश है, यदि रहवासी विरोध कर रहे हैं तो फैक्ट्री नहीं लगेगी। चपका में आत्मीय स्वागत के दौरान क्षेत्र के आदिवासी ग्रामीणों ने कलेक्टर की बातों को ध्यान से सुना। वहीं पूर्व विधायक राजा राम तोड़ेम ने भी कहा कि यदि लोग नहीं चाहेंगे तो प्लांट नहीं लगेगा। चपका में आज हम लोग युवोदय के तहत ये युवाओं को जोड़ते हुए, समाज को जोड़ते हुए जागरूकता का हमने कार्यक्रम रखा था, जिसमें माननीय एसएसपी साहब के साथ साथ सभी यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधिगण, आदिवासी समाज के भी बहुत वरिष्ठ प्रतिनिधिगण यहाँ पर सम्मिलित हुए। मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा ये कार्यक्रम था और लोगों के साथ चर्चा करने का मौका मिला। तो हम लोगों ने कहा कि भाई गाँव में जो है ना किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं है, आप खुद वहाँ आके जो है गाँव वालों से बातचीत कर सकते हैं और बातचीत करने के बाद ही कोई भी निर्णय लिया जाना चाहिए। सबसे पहला मुद्दा हमारा ये है कि भाई उनके ऊपर जो केस बना हुआ है उसको वापस लिया जाए और कलेक्टर साहब ने इसका आश्वासन भी दिया है। थोड़ा सा प्रक्रिया जटिल जरूर है लेकिन बातचीत के जरिए उसका समाधान